हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ केयर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली एक ऐसी समस्या की जिसके बारे में वो खुलकर किसी से बात नहीं कर सकती हैं, जबकि ये एक बहुत गंभीर समस्या है और इस समस्या के बढ़ने से गंभीर खतरे भी हो सकते हैं या गंभीर बीमारी भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं स्त्रियों के स्तन की, जी हाँ, लार्ज ब्रेस्ट साइज की। दोस्तों, अगर स्त्रियों के सौंदर्य की बात हो या बच्चों को दूध पिलाने की बात, तो स्त्रियों के स्तन की बात होती है। एक सुंदर, सुडौल, स्वस्थ स्तन जहाँ स्त्री के सौंदर्य को बढ़ा देता है, वहीं भी बेडौल, ढीला स्तन उनके सौंदर्य में भी बाधा डालती है और ये एक तरह से स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं माना जाता है। ज़्यादातर देखा गया है कि स्तन का साइज बड़ा होने पर महिलाओं को कपड़े सही तरीके से फिट नहीं आते हैं। स्तन को लिफ्ट करा करके इसे ठीक करना एक इलाज माना गया है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस कारण को जानना सबसे पहले ज़रूरी है। कई बार मोटापा इसका वजह होता है और कई बार जेनेटिक कारण, अगर आपके घर में पहले से आपके माँ या नानी का ऐसा है तो आपके भी हो सकते हैं। कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल के ऊपर हाई हो जाने से भी होता है और कई बार नशीली दवाओं के सेवन या शराब के सेवन से भी होता है। देखा यह भी गया है कि कई बार शर्मिंदगी की वजह से स्त्रियां, लड़कियां अपने बढ़े हुए स्तन के बारे में बात नहीं करती, जो कि सही नहीं है। जैसे ही उन्हें लगे कि ये समस्या हो रही है, वो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि ऐसा नहीं करने से ये समस्या ब्रेस्ट कैंसर का भी रूप ले सकती है। और कई बार जैसे पीठ में दर्द की शिकायत होती है, कई बार स्किन पर चकत्ते जैसे कुछ निशान का बनना, ये सभी खतरे हो सकते हैं। ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि ब्रेस्ट की साइज़ को सही करने के लिए ब्रेस्ट सर्जरी आजकल चलन में है, लेकिन ये सही नहीं है। ये फैट टिश्यूज़ के बढ़ने की वजह से होता है, तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपना मोटापा कम करें और एक्सरसाइज का सहारा लें। कुछ एक्सरसाइज के जरिए हम अपने शरीर के फैट को कम कर सकते हैं, जैसे स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग। लेकिन इस बात का भी ख़ास ध्यान रखें कि जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो स्पोर्ट्स ब्रा ज़रूर पहनें, क्योंकि ये आपके शरीर को यानी स्तन को सपोर्ट देता है। एक्सरसाइज के दौरान आपकी मांसपेशियाँ और जिस तरह से एक्सरसाइज करती हैं तो वो और ढीली हो जाती हैं। अगर आप स्पोर्ट्स ब्रा नहीं पहनते हैं तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, और जब आप स्पोर्ट्स ब्रा पहन कर करते हैं तो वो आपके स्तन को सपोर्ट देता है, जिससे वो सुडौल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लेगामेंट टिश्यू को भी इससे नुकसान पहुँचता है। इससे ये ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि जब भी जिनका भी ब्रेस्ट साइज बड़ा है वो अगर कोई एक्सरसाइज कर रही हैं तो स्पोर्ट्स ब्रा ज़रूर पहने। अपने स्तन को सुंदर और सुडौल करने के लिए आप योगा का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए अर्ध चक्रासन करें, इससे आपका स्तन सुंदर और सुडौल हो जाएगा। स्तन के फैट को घटाने के लिए कार्डियो और एरोबिक्स भी कर सकते हैं, और अगर आप में से कोई जिम नहीं जाना चाहता है तो कम से कम घर में ही ये 20 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें, इससे आपका स्तन फैट घट जाएगा। कई बार तेज चलने से, दौड़ने से, जॉगिंग करने से भी स्तन का फैट कम हो जाता है, तो कम से कम इसे एक आदत बना लें कि आप 20 मिनट से 25 मिनट तक ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। पुशअप एक्सरसाइज भी इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे ब्रेस्ट और कंधे के मसल्स मजबूत बनते हैं और ब्रेस्ट शेप में आ जाता है। चेस्ट फ्लाई एक्सरसाइज, ये बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि ज़मीन पर सीधा लेट जाएं और उसके बाद हाथ में एक डंबल ले लें और दोनों को एक साथ फैलाएं और फिर एक साथ जोड़ें, एक साथ फैलाएं और वो जोड़ें। इसे एक तरह से बटरफ्लाई या तितली फ्लाई एक्सरसाइज भी कहते हैं, और इसे करने से भी आपका ब्रेस्ट जो है वो शेप में आ जाता है। इनके अलावा भी कई एक्सरसाइज हैं जो किए जा सकते हैं और उससे ब्रेस्ट शेप में रह सकता है। ग्रीन टी भी ब्रेस्ट को कम करने में, घटाने में, यानी ब्रेस्ट के वजन को कम करने में सहायक होता है। जिनका अगर वजन बहुत अधिक है तो वो ग्रीन टी का सेवन करें, और शुरुआत के एक दो महीने में
आप ग्रीन टी में थोड़ा सा शहद यानी हनी भी मिलाकर पिए। इससे ना केवल आपका वजन कम होगा बल्कि ये ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को भी कम करता है। अंडे की सफ़ेदी भी स्तन को सुडौल बनाने में कारगर साबित होता है। इसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि एक अंडा लें और उसे उसमें छोटा सा छेद करें और उसके लिक्विड को एक बोल में निकालें, अच्छी तरह से फेंट लें और उसे स्तन के निचले हिस्से में लगा लें, अप्लाई करें। आधे घंटे तक इसे ऐसे ही रहने दें और उसके बाद प्याज के रस से उसे अच्छी तरह से धो लें। ऐसा नियमित करने से, खास करके 2 महीने तक लगातार करने से, ब्रेस्ट अपने आप सुडौल हो जाता है। ब्रेस्ट के साइज को घटाने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ खान पान का भी खास ध्यान रखें। ज़्यादा फैटी चीज़ें और ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें, इससे भी वज़न बढ़ता है और स्तन का साइज भी बढ़ता है। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि मसाज, मालिश जो है वज़न कम करने का बहुत ही पुराना नुस्खा है। आप गरम जैतून का तेल या नारियल तेल का दिन में कम से कम 2 बार उसे राउंड शेप में घुमाते हुए अपने स्तन के चारों बगल में, चारों हिस्सों में मसाज करें और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप नहा लें। ऐसा आप कम से कम 3-4 महीने तक लगातार करें। इससे भी स्तन सुडौल होता है, सुंदर होता है और आप स्वस्थ दिखती हैं। ये थे कुछ आसान तरीके जिससे आप अपने स्तन को सुडौल और सुंदर बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपने खान पान और एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो हमें लिख भेजिए, हमें ईमेल कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी, बाय बाय।